वेलकम टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल एंड माय सेल्फ हनी। और आज मैं करने जा रही हूँ आईब्रो के शेप में, आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से आईब्रो के शेप क्रिएट करो। तो आप देख सकते हो ये क्लाइंट है और इनके आईब्रो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इसमें हमें शेप देना है। तो किस तरीके से हम शेप देंगे ये मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ। आप देख सकते हो सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से जो भी ऑयली हो इनका अगर फेस पे टेक्सचर तो वो ठीक हो जाए। तो अच्छे से आप पहले पाउडर यूज़ कर लीजिए। बनता है ना कि इनकी आईब्रो के शेप कैसे हैं, तो हम किस कौन सा शेप दें कि सबसे बेस्ट लगे इन्हें। तो सबसे पहले हम ये वन फर्स्ट वाला स्टेप हम नहीं लेंगे, हम वन सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। कभी भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं हम लोग को कभी भी इस इतने से पार्ट को नहीं स्टार्ट करना, हमें यहाँ के बाद स्टार्ट करना है। इनर हो तो कभी भी आपने इसे टच नहीं करना है, इतने पार्ट को पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले शेप लेना है उसके बाद यहाँ से करना है। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा शेप मिलेगा। अब हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सा शेप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो अगर आपने इसे आर्क शेप में देना है तो इस पॉइंट पे आपको हेयर नहीं हटाना है, और अगर आपको राउंड शेप देना है तो आप पूरे तरीके से इसे राउंड शेप में ले सकते हैं। तो मैं इसमें आर्क शेप देने जा रही हूँ, तो आप देखो आर्क शेप में आप किस तरीके से आईब्रो बनाओगे। तो सबसे पहले ऐसे पकड़ लो, देख सकते हैं आप पहले इस तरीके से थ्रेड ले लें और एक को आपने अपने दांत से पकड़ना है और इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप ले लो और ये देख सकते हो आप। फिर इसे इस तरीके से हमें ऐसे करना है, पुश करना है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। को मैंने बताया कि यहाँ से आपने स्टार्ट नहीं करना है इस पॉइंट से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी आप न्यू कमर्स हो और अभी शेप बनाना सीख रहे हो तो कभी भी याद रखना आपने पूरा लेयर एक बार में नहीं लेना है, पूरे हेयर को एक बार में नहीं निकालना है। आप देख सकते हो मैं आपके लिए छोटे छोटे लेयर में आईब्रो के हेयर निकाल रही हूँ, जिससे आपको बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। और आप अभी अगर न्यू कमर्स हो और आप चाहोगे कि डायरेक्ट आप पूरी तरीके से शेप ले लो, तो इससे क्या होगा, या तो आपको आईब्रो पतले हो जाएंगे या फिर बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे लेयर में सीखें, बहुत ही छोटे छोटे लेयर में आईब्रो के सारे हेयर निकालें। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये शेप निकाल दिया है इसे, अब हम यहाँ पे टच करेंगे। ऐसा करने से हमें परफेक्ट शेप मिलता है, बहुत ही अच्छे से आपका शेप आ जाता है। और अगर आपने गड़बड़ की भी हो आगे तो ये बिल्कुल बराबर में मिल जाता है। अगर आपने फर्स्ट पॉइंट ही ख़राब कर दिया तो आगे का तो ख़राब हो ही जाएगा। इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दें और बाकी का बना लें और फिर उसे उससे मिला दें। हम ये ऊपर का बनाएंगे और ऊपर में ये आर्क शेप हमें छोड़ना है। ये छोड़ो, हाथ छोड़ो। अब हमें ऊपर से निकालना है और इस पॉइंट पे आर्क शेप छोड़ना है। तो ऊपर से थ्रेड चलाना स्टार्ट करेंगे और आप देख सकते हो जो पॉइंट मैंने बताया आपको, वहाँ से हमने नीचे की ओर बेंड करके रेक्टेंगुलर शेप जैसा हमें क्रिएट करना है, बेंड करना है थ्रेड को और हेयर को निकालने हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। और अगर आपके फोरहेड के हेयर हैं तो एक्स्ट्रा जो भी हेयर हैं उसको अच्छे से निकाल लें, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें फोरहेड को भी। इससे क्या होगा, आपके आईब्रो जो होते हैं ना उनके शेप बहुत ही उभर कर आते हैं सामने। तो आप देख सकते हैं आर्क शेप का जो हेयर मैंने निकाला है, इनके हेयर बहुत ही लाइट है फिर भी आर्क शेप बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है। और अब मैं नीचे से कर्व लूँगी, आप देख सकते हो जहाँ मैंने आर्क का शेप स्टार्ट किया है वहीं उसी के बिल्कुल स्ट्रेट में पैडलर में मैं अब उसके लेयर नीचे से भी निकाल रही हूँ, बिल्कुल उसे राउंड करूँगी नीचे से। जब मैं नीचे से राउंड पूरी तरीके से वहाँ कर लूँगी तो हमारा जो ऊपर का आर्क है वो बहुत ही अच्छे से उभर कर आएगा सामने। तो आप जब ऊपर अच्छे से शेप दे दो तभी नीचे छेड़ो और नीचे का हेयर निकालो, उससे पहले नीचे आपने पूरा लेयर नहीं निकालना है।
तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट शेप आएगा। आपके अगर लाइट हेयर भी हैं वो भी हैवी नज़र आ सकते हैं। तो जहाँ भी आपको हेयर दिख रहा है अच्छे से फिनिशिंग दे दें, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दें पूरे हेयर को। और ये देख सकते हो फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बार आईब्रो बनाया है और इनके लुक बहुत ही अच्छे आए हैं। और सेम मैं दूसरे आईब्रो में भी बिल्कुल ऐसे ही यही प्रोसेस होगा और वैसे ही मैं सेकेंड आईब्रो को भी करूँगी। और फिर आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको मैं कट कर ले रही हूँ, कट करके एक शेप दे दे रही हूँ। सेकेंड आईब्रो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कितने अच्छे शेप आए हैं। मैं अच्छे से आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप कैसे अपना आईब्रो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। पूरा बनने के बाद हमें कोई भी मॉइस्चराइजर लेना है और या तो फिर आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं और अच्छा से मसाज दे दे, इस तरीके से आपने मसाज देना है। आप देख सकते हैं ये पूरा शेप क्रिएट हो चुका है, तो आप देख सकते हो लाइट हेयर के बावजूद भी इनका कितना परफेक्ट आईब्रो शेप आया है, कितना अच्छा आर्क शेप आया है। तो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, और भी जो भी क्वेरी आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड टिल देन बाय बाय।